आप में से कितने लोगों को हंसना बड़ा अच्छा लगता है? अच्छा, कितने ऐसे हैं जिनको हंसने से ज्यादा अच्छा दूसरों को हंसाना लगता है? तो यही आज के सेशन का टॉपिक है, हाउ टू मेक अदर्स लाफ। सर, जैसे हम सर किसी से जोक करते हैं या सर कहीं पर भी जोक करते हैं, सर वैसे तो बंदा हंस जाता है सर, लेकिन बाद में क्या होता है कि जैसे हमारे घर वाले भी आसपास हैं, वो कहते हैं कि तू इसमें अभी मैच्योरिटी नहीं आई है, तू इतना 21 साल का हो गया, तू अभी भी जॉब कर रहा है, मतलब थोड़ा शांत रहा। सर फिर सोचते हैं कि आप शांत रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर कहीं जॉब मार देंगे। बंदा इमैच्योर है, कोई सीरियसली नहीं लेता। मैच्योर हो जाओ थोड़े से यार। उससे बड़ी कॉमेडी और कहीं नहीं है। अभी आपने अगर इसको ध्यान से नोट किया हो, जो भी ये भाई साहब बोल रहे हैं, बेचारे बड़े इनोसेंटली बड़े प्यार से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, तो ये क्वेश्चन खुद एक अपने आप में मजाक है। तो अब आप क्या चाहते हो मुझसे? मैच्योर जोक्स करो, मैच्योर बढ़ोगे। नॉनवेज जोक्स आपने सुने होंगे, शादी के बाद जो उनसे बीच में ऐसे ही पूछ लिया करो। अच्छा चलो, टॉपिक चेंज करते हैं। पापा आप ये क्या बातें कर रहे हो? आप ये बताओ, आप हनीमून पे कहाँ गए थे? और क्या किया था आपने? कैसे किया था? सही है, मैच्योर जोक्स हैं, बड़ोगे जोक्स हैं, बड़ोगे तो ऐसे होंगे, है ना? हाँ। हो गया जी। और कुछ, और कोई क्वेश्चन? जवाब है ही नहीं मिलेगा क्या? कोई जवाब नहीं है, मस्त रहो। मतलब हर चीज के अंदर ये वाई नहीं घुसाना है अननेसेसरी। हाँ, मुझे क्या करना है करियर में, वहां पे वाई ठीक है। अब घर वालों का नेचर अलग है, आपका नेचर अलग है, पर क्या पड़ता है, मजे मारो ना यार, इंजॉय करो। अभी यही हुआ कि जब आप आए ना, क्योंकि आपने आते ही सबको कूल डाउन कर दिया, क्योंकि सब ऐसे थे कि फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं तो कैसा हो, तो आपने आते ही कूल डाउन कर दिया, तो मेरे दिमाग में आया था कि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए, और आज का टॉपिक यही था। सिंपल सा फंडा है, पहला तो कि हमको खुद को रिलैक्स होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल सीरियस होकर के यहाँ पे कॉमेडी करूँगा, मतलब सोचो ऐसे बॉडी लैंग्वेज मेरी ऐसी है, यहाँ पे मैंने पैर फोल्ड कर रखे हैं जैसे आप में से कुछ लोगों ने कर रखा है, या फिर ऐसे बैठे हुए हो, देखो देखो किस किस का है, देखो, खोलो अपने पैर खोलो। तो इससे क्या होता है, इसको ब्लॉकिंग पोज बोलते हैं, कि अगर मैं ऐसे आकर के बैठ गया तो समझ जाओ कि ब्लॉक हो गया, मैं अपने आप को आप लोगों से बचा रहा हूँ, और आप क्या, आपका बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर मैं ऐसे बैठा हूँ। हाँ, ले ले, कर ले जो करना है, क्या उखाड़ेगा मेरा, समझ गए? तो दैट मैटर्स अ लॉट। देखो देखो जी, पोज को देखो, मतलब हाथ को अगर आप खोल करके रखते हो, रिलैक्स रहते हो, ऐसे रहते हो, ऐसे रहते हो, तो बढ़िया है, तो सामने वाले लोग भी रिलैक्स हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हो, ऐसे करते हो, वैसे करते हो, तो समझ जाओ गड़बड़ हो गई। आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो तो भी सामने वाले लोग डर जाते हैं। वो मेरे कुछ सेशंस के लिए ठीक है, लेकिन आज के सेशन के लिए ठीक नहीं है, है ना? एक बॉडी लैंग्वेज, क्या बोल रहा है, करना पड़ेगा, बाप भी करेगा बिजनेस, कौन नौकरी करेगा, सारे खच्चर। एक बंदे की हमारे पास मेल आई है कल, कहते सर जो भी नौकरी करते क्या वो सब खच्चर है? मैंने कहा नहीं मोहन प्यारे, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों का क्या है, हर छोटे मजाक पे भी गुस्सा आता है, किसी भी बात पे भी गुस्सा आता है, चाहे जो कर लो तब भी गुस्सा आता है। उनके उससे दूर रहो, और क्या करो, ऐसे बंदों को अपनी दुनिया में छोड़ दो, समझ गए ना, तेल लेने गए। हाँ, जो मस्त है उनके साथ में रहो, हर तरह के लोग हैं दुनिया में। अगर हमको दूसरों को हंसाना है तो उसके लिए ऐसी क्या क्वालिटी है जो हमारे अंदर होनी चाहिए? सर, ऑब्जर्वेशन। कपिल शर्मा क्या करता है, अगर हम उसके प्रोग्राम देखें तो वो रियलिटी से चीज़ें उठाता है, जैसे इंडियंस को फॉरनर से कंपेयर करता है, या फिर स्टार लाइफ को कॉमन लाइफ से कंपेयर करता है, तो वो रियलिटी दिखाता है कि एक्चुअल में इंडियंस की थिंकिंग क्या है, मतलब अगर वो अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं। तो जहाँ पे भी लोग कनेक्ट होते हैं, एज इन कि ये तो एग्जैक्टली यही चीज़ बोल रहे जो हम करते हैं,
तो फिर लोगों को हंसी आती है, जिससे हम रिलेट कर पाते हैं और जो सच होती है, जो सच होती है, और सच को देखने के लिए हमको ऑब्जर्व करना पड़ता है, यानी कि जो संता बंता के जोक्स होते हैं उस पर इतनी हंसी नहीं आती है, है ना, जो जोक्स होते हैं उस पर हमको इतनी हंसी नहीं आती है। तो आज हम उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये नहीं कर रहे हैं कि आपको एक जोक कैसे अच्छे से सुनाना है। हम बात कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन में अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब क्या है। सर, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऑब्जर्व किया है, जैसे कुछ लोग हैं हमारे दिमाग में पैटर्न्स बन जाते हैं, जैसे जकीर खान है, तो वो अगर स्टेज पे आता है, जकीर खान कौन है, मैंने जाकिर खान तो सुना है, जकीर खान सर, तो सर अगर वो स्टेज पे भी आता है और वो बहुत कॉमन सी बात भी बोलता है तो हम हंसने लगते हैं। सर आपके साथ भी जैसे, मतलब मैं ही नहीं कह रहा कई बार क्या कर रहे हो यार, कई बार जोक्स बहुत नॉर्मल होते हैं और हमारे दिमाग में पैटर्न है कि संदीप से कुछ बोलेंगे तो खुशी आनी ही आनी है। हाँ। तो से पैटर्न से रिलेटेड कुछ कॉमेडी ही होगी, है ना, आपको कुछ करना है अपनी लाइफ में, कॉमेडी है, बोलने दो, बड़बड़ करता रहता है। तो सर जो दिमाग में पैटर्न्स बन जाते हैं कॉन्टेंसी जो देख देख के, तो वो भी हमें हंसाने पे मजबूर कर देते हैं। हाँ, मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एक इमेज बन जाती है, कभी नोट किया है, और अलग अलग लोगों की इमेज अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। मतलब आप इसको कह सकते हो, अगर यहां से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल करके आ रही है बात करते करते, वो क्या है, फर्स्ट इंप्रेशन, ऑल्दो इट इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपने एक क्लास में एंट्री मारी है तो आप समझ जाओ, जो पहला दिन होता है ना, वो काफी हद तक डिफाइन कर देता है कि आपके जो अगले 4 साल है वो कैसे निकलने वाले हैं। हो सकता है आप अपने स्कूल में बिल्कुल ही थके हुए थे, जैसे मेरे साथ में भी हुआ था, मैं पहले एक स्कूल में था 10th तक, तो वहां पर मैं ऐसा था कि लड़की तो दूर की बात है, कोई लड़का दोस्त भी नहीं था मेरा, कभी कोई लड़की कुछ पूछती थी कि भाई ये मैथ्स की ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मैथ्स में मैं अच्छा था थोड़ा सा, तो वो पूछती थी तो मैं कॉन्शियस हो जाता था, हाँ क्या किया, मतलब समझ ही नहीं आता था क्या बोलूं। तो ऐसी मेरी हालत थी, लेकिन जैसे ही मैं एक दूसरे स्कूल में गया, 11th में मैंने अपना स्कूल चेंज किया, तो वहां पर मैंने अपनी इमेज को इस तरीके से पोर्ट्रे किया, जाते ही मतलब पहले दिन ही लोगों के पूरे स्कूल में हाहाकार मच गया, ये कौन आया है, बेल बॉट्स उस टाइम पे बड़ी चलती थी, यहां से ना बिल्कुल टाइट, मतलब पूरी टांगों की और उसके टांगों के ऊपर वाली जो जगह होती है उसकी पूरी शेप दिख रही थी। तो जैसे ही मैंने इमेजिन कर रहे हो क्या, तो मैंने क्या किया, मतलब इतना स्टाइलिश तरीके से गया स्कूल में, एंट्री मारी तो पूरे स्कूल में एक हाहाकार मच गई, ये कौन आया है स्कूल के अंदर, आप समझ गए। तो फर्स्ट इंप्रेशन रियली मैटर्स अ लॉट, अपने आप ही लोग एक बार को ऐसा हो गए उनके माइंड में, यार ये तो कोई स्टड है बंदा, जबकि था मैं बिल्कुल थका हुआ। तो फिर क्या होता था कि मैं कुछ भी थोड़ा बहुत भी बीच में बोलता था ना, एक स्टाइल से थोड़ा सा हल्का सा कुछ बोला तो क्लास हंस पड़ी। आपने भी नोट किया होगा कि कोई ऐसी जगह है जहां पर आप जाते हो, बोलते हो और वैसे ही हंसी मजाक होने लग जाता है, कहीं पर आप जाओ कुछ भी कर लो, अपनी लाइफ का बेस्ट जोक भी मार दो, तभी लोग कहेंगे अरे चल रहा साइड जो पका रहा है, होता है ना। तो इमेज रियली मैटर्स अ लॉट, और इमेज की बनने की शुरुआत कहां से होती है, योर फर्स्ट इंप्रेशन। सर, दूसरों को हंसाने से पहले ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम खुद पे हंसना सीखें। जब तक हम खुद पे नहीं हंसेंगे तो हम दूसरों को नहीं हंसा पाएंगे। एक्सीलेंट पॉइंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर यार। इन्होंने सबसे बड़ी क्वालिटी बोल दी है हंसाने की, मतलब ये सबसे सेफ जोन होता है जब आप खुद पे हंस रहे होते हो। खुद का जितना मर्जी मजाक उड़ा लो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां आपने किसी और का मजाक उड़ाया तो क्या होगा, वो लोग एक अलग ही जोन में चले जाएंगे। अगर हम खुद पर नहीं हंस पाएंगे और दूसरों का मजाक उड़ाएंगे तो हो सकता है टेम्पररी बेसिस पे आपको कुछ लाफ्स मिले, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसे बंदे से सब कट जाएंगे। तो ऐसे लोग कभी किसी के अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, इनके अच्छे दोस्त नहीं होते हैं, इनफैक्ट उनके जो अपने दोस्त होते हैं वो भी पीछे से उनकी ले रहे हो, मतलब जो भी है उनका उनकी उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। हाँ, ये दिल्ली वाली भाषा का ही नहीं है। जो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, एक बार नोटिस की कि वो कुछ बोलने से पहले, कुछ एक्ट करने से पहले ये सोचते नहीं कि मैं कैसा दिखूंगा जो भी मैं कर रहा हूँ। जैसे भी बड़े कॉमेडियंस है, जैसे कपिल हो गया, डॉक्टर मशहूर गुलाटी, वो कुछ ऐसे एक्ट कर, भाई मेरा भी नाम लेते हैं भाई। आप तो उनसे ऊपर, अरे वो कुछ ऐसी चीज कर जाते हैं पूरे वर्ल्ड के सामने कि हम तो कभी एक सिंगल पर्सन के सामने भी कर सकते, कि हम तो 10 बार सोचेंगे कि ये मैं करूं या ना करूं, अच्छा लगूंगा या बुरा लगूंगा। What he's saying is कि हम बोलने से पहले बहुत सोचते हैं कि मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। जब इतना सोच सोच करके बोलोगे तो बोलने में कॉन्फिडेंस कहां से आएगा।
तो यहाँ पर स्पॉन्टेनिटी बहुत जरूरी है कॉमेडी में, जो अंदर से आ रहा है एकदम से बोल दो। तो क्या होगा अगर उसमें कुछ कॉमेडी नहीं भी होगी तो कॉमेडी हो जाएगी, क्योंकि कॉमेडी होती कैसे है, कभी सोचा है, अपने माइंड को ऑब्जर्व किया है, जब बच्चे थे सबसे ज्यादा हंसी कब आती थी, जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा होता था हमारे आसपास, समझो ना, होता है नहीं होता है, एकदम से कोई चल रहा है चलते चलते एकदम से गिर पड़ा है ना, एकदम हंसी आ गई, अबे ये क्या हुआ, मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कुछ बिल्कुल ही अपोजिट हो गया, तो हंसी आ गई, समझ गए। तो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हंसाओगे 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 और एकदम से चुप हो गए, तो लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है ना, फिर अजीब सा फेस बना दिया, अजीब सा कुछ कर दिया, वॉट एवर इट इज, बट इट हैज टू बी सो स्पॉन्टेनियस कि उसमें ज्यादा लेयर्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके जोक में कितना दम है, ये भी ध्यान से समझ लेना, मतलब लोग समझते हैं भाई जोक अच्छा होना चाहिए, अरे ना जोक को कुछ नहीं होता है, देखो हंसा हंसा हंसा, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट गिविंग सरप्राइजेस टू अदर पीपल। पॉजिटिव वाइब्स, लाइक अगर हम सुबह उठे हैं और हम अच्छे मूड से खुद उठे हैं तो उसका रिजल्ट लाइक अच्छा ही आएगा। अगर हम सपोज कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए और मैं रो रही हूँ पूरे दिन बैठ के, कह रही यार ये क्या हो गया, तो अगर हम जॉब भी करें ट्राई भी और मेरा नेचर भी वो होगा तो वो उस तक नहीं पहुँच पाएगा। हाँ, मतलब कि जो भी आपके आसपास में लोग हैं उनको एक अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, ये आपने हर उस इंसान में ऑब्जर्व करी होगी जिसने भी कुछ बड़े लेवल पे किया है। जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इंडिया के ही दो ऐसे कॉमेडियंस हैं जिन्होंने साथ साथ में शुरू किया था, एक पता नहीं आज कहाँ का निकल गया है, दूसरा है वो बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है, नाम नहीं लूंगा वो आप लोगों को पता है। दोनों में फर्क क्या है, एक है जो कॉमेडी करता तो है बट ही केयर फॉर द अदर पर्सन, मतलब अगर कभी कोई बंदा ज्यादा हर्ट हो रहा होता है तो जा करके उस सिचुएशन को संभाल लेता है, तो हम उससे कनेक्ट कर जाते हैं, हम कहते हैं कि नहीं यार ये अच्छा इंसान है, हमें हंसाने की कोशिश कर रहा है, उस चक्कर में कुछ कई बार रायता फैल जाता है, लेकिन बंदा बढ़िया है, बंदा बुरा नहीं है। जैसे मेरे साथ में भी होता है कि जब कभी मुंह से कुछ निकल भी गया तो आप कहते हो कि नहीं यार बंदे की इंटेंशन ठीक है, कि बंदे का मकसद ये नहीं है कि किसी का मजाक उड़ाना, बट हंसी मजाक में कई बार हो जाता है। दूसरी तरफ से क्या गड़बड़ हो रही है, एक बंदा है वो मजाक उड़ाता ही रहता है, सामने वाले का मुंह बन रहा है, मतलब उसको बुरा भी लग रहा है फिर भी वो लगा हुआ है, तो व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज ट्राइंग टू हार्ड टू बी फनी, दैट शुड नॉट हैपन, इट शुड बी एफर्टलेस। जहां आप किसी के साथ में भी कनेक्ट कर गए तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आराम से आकर के बैठ जाओ, लोगों को ऐसे मजा आ जाएगा देखो कैसे हंस रहे हैं आप लोग मतलब एक कनेक्शन जरूरी होता है। सर आपकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी, आप आके बैठे इतने में ही सब खुश हो गए और आप अभी भी हंस रहे हो, जबकि हंसने वाली बात नहीं है लेकिन हंस रहे हो, मजा आ रहा है बहुत क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। सामने वाले जो लोग हैं ना वो जाने अनजाने आपको कॉपी कर रहे होते हैं, यानी कि अगर मैं सीरियस हो गया मेरा मूड सीरियस हो गया तो आपका भी सीरियस हो जाएगा, मेरा हल्का फुल्का है तो आप भी हल्के फुल्के मूड में हो, मैं रिलैक्स बैठा हूँ तो आप भी रिलैक्स, मैं गुस्से में बैठा हूँ तो आप भी थोड़ा अकड़ जाओगे कि बंदा मुझे पीटने वाला है तो मेरे को भी अपने आप को डिफेंड करना है, समझ रहे हो ना। हाँ, मतलब कि जब प्रोफेसर आता है एंट्री मारता है तो तभी एक आइडिया हमको लग जाता है कि प्रोफेसर कैसा है, उसकी एक इमेज बन जाती है, अगर प्रोफेसर लाइटर नोट पे आया तो हम भी हल्के फुल्के हो जाते हैं, हम भी थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाते हैं और हम सीख भी लेते हैं जल्दी उस क्लास में, हम बड़ी जल्दी सीख लेते हैं क्योंकि हम ओपन हो जाते हैं, नहीं तो कुछ प्रोफेसर एंट्री मारते हैं एकदम से आकर के उन्होंने कुछ ऐसा बोला हम दिमाग ही हमारा बंद हो जाता है, चलना ही बंद हो जाता है, डर बन जाता है, मतलब कि वो आपको डरा देते हैं आकर के, कुछ भी ऐसा बोला तो आप भी बिल्कुल डिफेंड करके बैठ गए कि तू बेटा देख मेरा क्या हुआ कर ले जो कर सकता है, लगा ले अपनी एड़ी छोटी छोटी का जोर, जो भी है तेरी उसका जोर लगा ले, नींद आ रही है ये भाई को, वासी कल रात को सोए नहीं थे, एक्साइटमेंट आज के सेशन का, कौन नहीं सोया कल रात को, क्या क्या चल रहा था दिमाग में बताओ, इसमें थोड़ा मस्ती होगी क्या होगा, मतलब लड़का लड़की क्या होगा, अच्छा टॉपिक किस मैटर पे, हमारी पहली मुलाकात, आपका आपका क्या कहना है कि मैं एक्चुअल में दिखता हूँ बेटर लगा या ज्यादा बेटर लगता हूँ, सुन रहे हो ये तुम्हारी एडिटिंग की वजह से हो रहा है ये सब, एक सुंदर जीव को पता नहीं क्या बता दिया। सर
सर हमारे एक्सप्रेशंस और हमारे एक्शंस बहुत मैटर करते हैं, अगर हमारे एक्सप्रेशंस अच्छे होंगे, इस टाइप के एक्सप्रेशंस होंगे कि हम दूसरों को हंसा सके तो हम हंसा पाएंगे, जैसे अभी आपके एक्सप्रेशंस ऐसे हैं। अभी मेरे ऐसे हैं? अभी तो मैं बिल्कुल सीरियस बैठा हुआ था। आपके एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि सामने वाला बंदा अपने आप ही हंसता है, और आपके एक्शंस भी ऐसे होते हैं कि हम हंसते हैं उन चीजों से, आपका बॉडी लैंग्वेज सब मैटर करता है। देख रहे हो, देख लो एक्सप्रेशन, देखो पहले तो ये देखो गर्दन मैंने कैसे हिलाई थी, यहाँ थी यहाँ से ऐसे किया धीरे से, अगर मैं तेज करता तो एकदम हंसी नहीं आती, धीरे किया तो उसमें एक अदा आ जाती है ना, मतलब इस तरीके से मूव करना होता है। तो चेयर ऐसी होनी चाहिए जिसपे आप मूव कर सको, इसीलिए मैंने आप लोगों को ऐसी चेयर दी है ताकि आप कॉमेडी ना कर पाओ, और मेरी मोनोपोली रहे आज यहाँ, जो कॉमेडी करी किसने करी, इसने करी। हाँ, एक्सेलेंट पॉइंट, मतलब कि हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो ऐसे होने चाहिए हैं कि वो सामने वाले बंदे को ऐसा ना लगे कि कोई खड़ूस बैठा हुआ है हमारे सामने, है ना, अगर सिंपल वे में बोला जाए तो, कि ये तो भैया इससे इससे दूर ही रहो, जैसे होता है ना टच मी नॉट टाइप के लोग होते हैं, भैया मेरे से दूर ही रहो, हाँ तो वैसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए सामने वाले को, उनको लगना चाहिए हाँ इसको कुछ भी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये तो अपना ही यार दोस्त है, ये बुरा नहीं मानेगा, ऐसी एक फीलिंग आनी चाहिए अगर आप एक्चुअल में किसी को हंसाना चाहते हो तो। कुछ ऐसा हो जिसमें साथ में सब हंस रहे हो तो मजा आता है, वो तभी हो सकता है जब हम सामने वाले का, अगर मैं एग्जांपल वाइज देखूं, जैसे कोई आदमी मोटा है, अगर उसको हमने मोटा बोला वो उसके लिए डिसरिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं करना है, तो क्या कर सकते हो, वो मोटा पढ़ाई में अच्छा है और उसको अनपढ़ बोल दो, समझ गए? अब उसको पता है कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूं, समझ गए ना, कोई सुंदर है, जैसे अगर आप मेरे को बोलोगे बदसूरत तो मैं बुरा मानूंगा क्या? मानते हो? मतलब मुझे पता है मैं क्या हूं, आई नो दैट आई एम टू हॉट टू हैंडल। किसी की कोई स्ट्रेंथ है उससे रिलेटेड कोई मजाक उड़ा दो तो वहां पर कोई रिस्क नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट भी हो गया, कॉमेडी भी हो गई, है ना, जैसे लड़कियों का आसान है तो वो तो बड़ा ही सिंपल है, तो कुछ करना ही नहीं है। क्या बात है, आज क्या लग रही हो, बस स्टॉप पे नहीं कर रही है यार, क्या लग रही है लाल ड्रेस में, ये नहीं मतलब अपनी फ्रेंड के साथ में, जो आपकी कोई अच्छी फ्रेंड है, क्या बात है आज तो बड़ा ग्लो है भाई, और लड़की एकदम निकालेगी अपने पर्स में से वो क्या? तो ये बड़ा सिंपल है ये करना, बट वो रियल होना चाहिए, ये नहीं कि उसके पूरे बेचारी के स्किन खराब हुई पड़ी है, पिंपल्स निकले हुए हैं उसी दिन, और वो खुंदक में आ रही है और आप कह रहे हो क्या लग रही है, स्किन बड़ी चमक रही है तेरी, चमाट लगाएगी घुमा करके, उसकी चमके ना जाना आपकी चमक जाएगी। काफी भैया चेंज करना पड़ेगा अपना प्रोफेशन तो। क्या ट्राई कर लो? मैं ट्राई नहीं करता, फिर अगर मैं करूंगा तो फिर तो मैं कर ही जाऊंगा, ट्राई व्राई मेरी डिक्शनरी में नहीं है कि ये, अब चलो एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, बट थोड़ा सा मोटिवेट करना तो बनता है ना। देखो ये जो ट्राई वर्ड है ना, ये लूजर्स के लिए होता है, आई गो बाय माई चॉइस, या तो मैं किसी काम को करूंगा ही नहीं, बट इफ आई चूज टू डू समथिंग देन, फिर मेरे लिए फेलियर कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बात सुन करके नहीं, लेकिन किसी दिन मेरे अंदर से ही आ गया कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता मेरे को। अब कैसे नहीं रोक सकता? अब आप कहोगे नहीं नहीं हम तो रोक देंगे जी, हम हंसेंगे नहीं। नहीं हंसोगे, एक बार फेल होऊंगा, दो बार होऊंगा, 100 बार होऊंगा, 1000 बार होऊंगा, 1001वीं बार ऐसी एंट्री मारूंगा, हंस हंस के आपका बुरा हाल हो जाएगा। देखो मैंने मोटिवेट भी कर दिया मजे मजे में, हंसी मजाक में। तो कैसे करोगे हैंडशेक? हाय, आई एम निवेश। अरे क्या बात है, सही है, मतलब दिस ग्रिप हैज टू बी फर्म, इट शुड नॉट बी टू टाइट, इट शुड नॉट बी लूज, मतलब ऐसे तो करना ही नहीं है, जैसे जैसे होता है ना, क्या हाल है भाई।